2S पांडे YouTube चैनल, आप सबको समंजय सर के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। आज के क्लास में मैं आप सबको क्लास 12th डिटर्मिनेंट्स चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो आप लोगों को 2010 से लेकर के 2020 तक के परीक्षा में पूछा है, उससे संबंधित क्वेश्चन को बताने जा रहा हूं। बता रहा हूं, जो नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए स्टूडेंट देखें, चलिए कामदेव जी श्रेष्ठ देखिए कह रहा क्या, यदि 7 और 2 समीकरण इसके मूल है, 2 मूल है, तो इसका तीसरा मूल क्या होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है x 2 7, ठीक, उसके बाद क्या है 3x, उसके बाद क्या है 6, उसके बाद क्या देखिए 7 2 और x बराबर क्या दिया है 0, बराबर क्या 0। अब इसके 2 मूल दे दिए, यानी x का 2 वैल्यू दे दिया, हमको तीसरा वैल्यू निकालना है इसका, ठीक ना। तो ये डिटरमिनेंट है, तो देखिए दिखाई दे रही है ना, सबसे पहले देखिए x को लेंगे, x को लेंगे तो देखिए ये ढकाएगा और ये ढकाएगा, क्या दिखाई दे रहा है x और 6, ठीक है ना, ये ढकाएगा और ये ढकाएगा, क्या हो जाएगा x 6 और उसके बाद 2x हो जाएगा। फिर देखिएगा और उसके बीच में माइनस होता है, आप लोग कॉपी कलम लेकर के भी बैठेंगे, आप लोग से भी क्वेश्चन पूछेंगे। अब देखिए आप 3 ले लिए, नेक्स्ट स्टेप 3 लेंगे दूसरा, अब देखिए ये ढकाएगा, क्या बचा दिखाई 2 और 7, ठीक है ना, 2x, ठीक, क्योंकि 3 जब लेंगे तो ये देखिए ये ढकाएगा, हम जानते हैं कि यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, फिर यहाँ पे क्या होता है प्लस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे a11 होता है, यहाँ a12 होता है और यहाँ a13 होता है। तो यदि अंकों का योग सम आता है, देखो यहाँ पे एक और एक क्या हो गया i+j=sum, तो वो पॉजिटिव होता है, एक और एक क्या हो गया 2, इसलिए यहाँ पे प्लस हो गया। ये मैं सिद्ध भी क्या हूँ, प्रूफ भी क्या हूँ अपने थ्योरी में। फिर देखिए 1 और 2 को जोड़ेंगे 3, यानी विषम हो गया, इसलिए यहाँ पे बीच में माइनस है। यहाँ पे 3 और 1 क्या हो गया 4, सम है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया प्लस हो गया। तो जब 7 लेंगे, देखो स्टूडेंट जब 7 लेंगे तो ये ढकाएगा और ये ढकाएगा, क्या दिखाई दे रहा है 2 7 और x 6। अब देखा जाए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, x, अब देखो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, कोना कोनी गुणा होता है, x इंटू एक्स x² - 6 × 2 = 12, 6 × 12 = 12 -3। अब देखो 2 × x 2x, बीच में माइनस का चिन्ह, 7 × 2 = 14, फिर देखो +7। अब देखो बाबू 6 × 2 = 12, फिर बीच में माइनस, 7 × x - 7x हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स x × x² क्या हो गया x³, x² = x³, x² = 12 क्या हो गया -12x, फिर देखो माइनस, 3 × 2 - 6x, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 14 × 3 = 42, फिर देखो प्लस, 7 × 12 = 84, फिर देखो प्लस माइनस माइनस, 77 × 49x, 77 × 49x बराबर में 0 है, देखो बराबर में 0 है, बराबर में 0 है, बराबर में 0 देते जा रहे हैं, दिखाई पड़ रही ना। अब देखिए सभी स्टूडेंट्स कोई भी प्रॉब्लम हो तो खुल करके बोलेंगे, देखिए x³, अब देखो 12 × 6 = 18, 18 और 49 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा -67 x, ठीक। अब देखो बाबू 42 और 84 जोड़ो कितना हो गया 126, 42 और 84 126 +126 = क्या हो गया 0, यानी 4 × 2 = 6 × 8 = 12, ठीक। अब देखो बाबू ध्यान दो तुम लोग जरा सा, यहाँ पे x का करा कि 2 मूल दिया है, इसका मतलब x बराबर 7 भी है और x बराबर 2 दिया है, लेकिन x का एक और मान होगा, क्योंकि x का साफ एक मान और होगा, क्योंकि ये त्रिघातीय बहुपद है। तो याद रखिएगा जब द्विघातीय बहुपद होता है तो x के 2 मान निकलेंगे, जब त्रिघातीय बहुपद होंगे तो x के कितने मान निकलेंगे 3 निकलेंगे, तो 2 तो दिया ही है। तो डिफरेंट है कि एक x - 2 = इसमें 0 हो सकता है या x - 7 = 0 होता है। हम चलो ये सस्ता वाला टर्म को ही लेकर गुणनखंड बनाएंगे, तो इसे मैं गुणनखंड का बहुत ही आसान तरीका भी बताया हूं, आप मेरा चैनल में देख सकते हैं 9th क्लास का गुणनखंड का, बड़े से बड़े गुणन को शॉर्ट ट्रिक में बना सकते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा x³ है, कॉमन में क्या आना चाहिए x - 2, तो -2x² कर दिए, ठीक ना, क्योंकि यहां पे हमको क्या होगा, देखिए x² कॉमन लेंगे तो x - 2 हो जाएगा, लेकिन इसमें देखिए कहीं x² वाला टर्म है नहीं है बाबू, x² वाला टर्म इसमें नहीं है, तो अपने मन से +2x² कर देंगे, क्योंकि +2x² -2x² कट ही जाएगा, तो फिर तो हट ही जाएगा। अब देखो फिर यहां से भी कॉमन हमको क्या आना चाहिए बाबू, यहां से भी हमको कॉमन आना चाहिए
यानी x माइनस टू के रूप में, तो डेफिनेट है यहाँ पे 4x करेंगे क्योंकि 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस टू बच जाएगा कि नहीं, ठीक। अब लेकिन यहाँ पर कितना है, 67x है, कितना है? लेकिन 4x तो ले लिए बाबू, माइनस 4x तो माइनस 63x तो करना ही पड़ेगा, माइनस 63x, क्योंकि 63 और 4 कितना हो जाएगा 67, माइनस और माइनस टूट जाएगा। कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई दिक्कत नहीं है मेरे साथ, नहीं दिक्कत है। अब देखो बाबू x माइनस टू, उसके बाद प्लस क्या है 126 प्लस 126 इक्वल टू 0। देख बाबू फिर से एक बार समझा देते हैं, इसका हम गुणनखंड कर रहे हैं जीरो फैक्टर के आधार पे, चूंकि x बराबर 7 और x बराबर 2 दिया है, दो गुणन इसका दिया है मूल, तीसरा निकालना है, तो साफ पता चल गया हमको कि x माइनस 2 या x माइनस 7 सबों के साथ गुणनखंड आएगा, तो हम x माइनस 2 का ही सस्ता। देखो अब x क्यों है, अपने मन से माइनस 2x स्क्वायर कर दी इसमें, लेकिन इसमें कहीं भी x स्क्वायर का टर्म नहीं था इसलिए प्लस 2x स्क्वायर कर दिए, ये प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल, तो फिर तो बच जाएगा। अब देखो यहां वाला भी टर्म से x माइनस 2 को मानना चाहिए, तो क्या कर दिया अपने मन से माइनस 4x ले लिया, क्योंकि 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा कि नहीं उधर। अब देखो लेकिन यहां पर माइनस 67x है, इसलिए यहां पर क्या कर दिया माइनस 63, 63 और 4 कितना हो गया 67, अब यहां से कॉमन आ जाएगा आराम से x माइनस 2। अब देखो बाबू ध्यान देना, x यहां से x स्क्वायर कॉमन ले लो तो x माइनस 2 होगा, देखो x स्क्वायर कॉमन लिए, x स्क्वायर गुना x, x क्यूब, x स्क्वायर गुना 2, 2x स्क्वायर, फिर देखो प्लस, अब यहां से 2x कॉमन ले लो इस टर्म से, तो 2x कॉमन ले लिए तो x माइनस 2 होगा, क्योंकि 2x गुना x, 2x स्क्वायर, 2x गुना 2 दुगनी 4x हो जाएगा। फिर देखो माइनस, यहां से 63 कॉमन ले लो, तो 63 जब कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। देख बाबू 63 गुना x, 63x माइनस गुना माइनस प्लस, और 63 दुनी 126। अब देख बुतरू x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 2 कॉमन हरा कि नहीं, देख बाबू x माइनस 2 कॉमन ले लिए, x माइनस 2 कॉमन ले लिए, तो अब देखो x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 2 कॉमन ले लिए, क्या बच गया x स्क्वायर, फिर क्या बच गया प्लस 2x और माइनस क्या हो गया 63 इक्वल टू 0 हो गया ना। अब देखो बाबू एक बार जो होगा x माइनस 2 इक्वल टू 0 यानी कितना बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया 2, तो ये तो दो मूल तो देवे किया है पहले। अब देखो एक बार इतना बराबर 0 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63 इक्वल टू 0 हो जाएगा, होगा बाबू। अब देखो बाबू इसको क्या करेंगे, गुणनखंड करो, x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7x अब प्लस क्या माइनस 63 माइनस 63 इक्वल टू 0। देखो 9 में 7 घटेगा 2 और 9 सती क्या हो जाएगा 63, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो यहां पे क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7x माइनस 63, यहां से x कॉमन ले लो तो x प्लस क्या हो जाएगा 9, यहां से माइनस 7 कॉमन ले लो क्या हो जाएगा x प्लस 9 इक्वल टू 0। देखो x गुना x, x स्क्वायर x गुना 9, 9x फिर देखो माइनस 7 इंटू x माइनस 7x फिर माइनस प्लस क्या हो गया माइनस 9 सती 63। अब देखो x प्लस 9 x प्लस 9 कॉमन ले लो x प्लस 9 तो फिर कॉमन जब ले लिया x प्लस 9 तो क्या बच गया x माइनस 7 इक्वल टू 0 यानी x प्लस 9 कॉमन ले लिए अंदर में क्या बच गया x फिर बीच में माइनस है यहां से तो अब जो हो जाएगा एक बार x प्लस 9 इक्वल टू 0 यानी इतना बराबर 0 हो जाएगा और एक बार हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या हो गया माइनस 9 यानी प्लस में था उधर जाएगा माइनस 9 एक बार x बराबर क्या हो जाएगा 7। अब देखो बाबू थोड़ी देर के दिखाई दे रही ना, अब देखिए आप लोग 7 x का मान 7 और x का मान 2 पहले ही प्रश्न में दिया है कि 7 और 2 इसके मूल होंगे तो डेफिनेट तीसरा मान क्या निकल रहा है माइनस 9 इसलिए तीसरा मूल जो होगा तीसरा मूल माइनस 9 होगा। दो मूल तो पहले ही दे दिया था ना सवाल में 7 और 2 तो तीसरा मूल क्या हो जाएगा माइनस 9। बताएं आप सभी स्टूडेंट्स समझ में आई सबों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसे इग्नोर नहीं करेंगे छात्र ये सारे क्वेश्चन को। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा है ना, प्रूव दैट 0 इतना बराबर क्या सिद्ध करना है 0, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे देखिएगा, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देंगे, C1 में क्या कर देंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। तो अब देखिएगा क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा C1 आपका ये हो गया, C2 आपका ये हो गया और C3 हो गया, तो 1 प्लस अब ये C2 जुड़ जाएगा ओमेगा, अब प्लस क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर।
ठीक। अब ये जुड़ेगा, देखिएगा ओमेगा, यानी ये तीनों किसमें जुड़ेगा, किसमें, सीवन में आकर के, देखो वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक। अब देखो फिर ये दोनों टर्म, ये सी वन और सी टू और सी थ्री सब जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर। देखो ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर और ओम वन, फिर देखो ओमेगा स्क्वायर, वन और ओमेगा, ठीक है ना, ये एल एच एस है। क्या है बाबू, फिर से समझ लो, सीवन में सीवन प्लस सी टू प्लस सी थ्री कर रहे हैं, तो सीवन आपका देखिए वन प्लस ओमेगा जोड़ दिए वन, अब ये इसमें गया प्लस ओमेगा, ये इसमें गया ओमेगा स्क्वायर, फिर देखिए ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर जाएगा तो प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर ये जाएगा तो वन होगा कि नहीं, इसलिए वन प्लस ओमेगा स्क्वायर कर दिए। इसमें भी देखिए सीवन में ओमेगा स्क्वायर जोड़ वन जोड़ ओमेगा, तो वही ना होगा वन प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब सीवन से कॉमन क्या आ रहा है, सीवन से जो कॉमन आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, सीवन से वन प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेने पर, आप लोग तैयार रहेंगे, इस बार आप लोग को क्वेश्चन पूछेंगे, कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर ध्यान दीजिएगा, वन प्लस सी वन से क्या कॉमन लेंगे, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिए सी वन से, ठीक। तो क्या बच गया, देखिए वन 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 बच गया, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन, ओमेगा स्क्वायर वन और ओमेगा। अब देखिएगा एक फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर में वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये इकाई के तीन घनमूल है, इकाई के तीन घनमूल होते हैं, ठीक ना, ये मैं सिद्ध भी किया हूं, तो इसलिए वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है जीरो, ये फॉर्मूला था, ये प्रूव भी किया हूं, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है जीरो, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि आप लोग वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है जीरो, तो अब देखिए यहां पर क्या है वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इसका मतलब इसका वैल्यू हो गया जीरो, ये टोटल का वैल्यू हो गया जीरो। अब देखो वन 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 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन, फिर देखो ओमेगा स्क्वायर वन और ओमेगा। अब हम जानते हैं कि जीरो से किसी को भी गुना करेंगे क्या हो जाएगा जीरो, तो इसलिए जीरो प्रूव हो गया। बताएं स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, सभी स्टूडेंट बताएं, सब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इग्नोर नहीं करेंगे छात्र, कह रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा, यदि ए बी सी, ए बी तथा सी, सी समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, है तो सारणिक, सारणिक एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस टू ए, एक्स प्लस टू बी, एक्स प्लस टू सी, एक्स प्लस टू सी का मान क्या होगा। आप लोग को मैं बता दूं, यदि कोई भी सवाल यदि डिटरमिनेंट का एपी जीपी में रहे तो उसका डायरेक्ट आंसर जीरो दे दीजिएगा, ठीक ना, मैक्सिमम जीरो होता है ऑब्जेक्टिव में, ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले देखिएगा इसका भी आंसर जीरो होगा, इस सारणी का भी मान क्या होगा जीरो होगा। तो सबसे पहले देखिए, चूंकि आप लोग ध्यान दीजिएगा, चूंकि ए बी सी आर इन एपी, यानी एपी में है, एपी में है कि नहीं, एबीसी किस में है, एपी में है, तो एपी में एक रूल होता है, एपी में एक रूल होता है कि टी टू माइनस टी वन बराबर टी थ्री माइनस टी टू होता है ना। तो देखो टी टू का मान कितना है बी, और टी वन का मान कितना है ए, टी थ्री का मान कितना है सी, और टी टू का मान कितना है बी। अब यहां पे देखो बी, अब ये माइनस इधर का क्या हो जाएगा प्लस बी, ये माइनस इधर का क्या हो प्लस बी इक्वल टू सी प्लस, ये माइनस इधर का ए, तो अब देखो ये माइनस इधर है तो प्लस बी हो गया, तो बीच में बराबर दे देते हैं। देखो बाबू फिर से ये माइनस बी था, माइनस बी को इधर लेता है तो बी पहले से था, बी प्लस बी हो गया, अब ये माइनस उधर गया तो सी प्लस ए हो गया, तो टू बी बराबर कितना हो गया सी प्लस ए हो गया, टू बी बराबर कितना हो गया सी प्लस ए। अब देखो सारणिक क्या है, ध्यान देना सारणिक में, ध्यान दो बाबू यहां पे क्या करते हैं सारणिक में, आर वन प्लस आर थ्री, आर वन प्लस आर थ्री माइनस टू आर टू कर देते हैं, ठीक ना, यानी क्या कर देते हैं R1 में, ध्यान देना
R1 और R3 को जोड़ते हैं और घटा देते हैं किससे, उसको 2R2 से। देखो ये वाला टर्म को R1 कहा जाता है, ये वाला टर्म को R2 कहा जाता है और ये वाला टर्म को R3 कहता है। तो R1 और R3 जुट रहा है, इसका मतलब X+2 और X+4 को जोड़ो, यानी R1 जोड़ R3। तो देखो बाबू R1 का इसका पहला में क्या है, X जोड़ X क्या हो गया 2X, फिर देखो प्लस R3, फिर देखो 2 जोड़ 4 इसका 4 2 6, फिर बीच में क्या हो रहा है माइनस हो रहा है 2 गुना R2, तो 2 गुना R2, तो R2 का मान कितना है देखो इसमें X+3 हो गया। क्या यहां तक में समझ में आई? देखो विद्यार्थी फिर से समझा रहे हैं, R1 और R2 को 3 को जोड़ करके घटा रहे हैं 2R2। देखो ये R1 पहला वाला का R1 ये हो गया, दूसरा वाला का R2 ये हो गया और तीसरा वाला रो का ये R3 हो गया। तो अब देखो क्या कर रहे हैं, R1 जोड़ R3, तो यानी इसको और इसको जोड़े, तो एक्स जोड़ एक्स क्या हो गया 2X, 4 और 2 क्या हो गया 6, अब फिर बीच में क्या माइनस 2R2, तो 2 गुना R2, तो इसका R2 क्या है X+3 कर दिए। ये क्रिया R1 में कर रहे, फिर देखो इसमें भी R1 और R3 को जोड़ो, R1 जोड़ R3, तो X जोड़ X क्या हो गया 2X, समझ में आ ही रहा होगा। फिर देखो 5 और 3 कितना हो गया +8, फिर बीच में माइनस है क्या 2R2, तो इसमें R2 का मान कितना है X+4 कर दिए। बोलो कोई प्रॉब्लम? अब देखो फिर इसमें भी वही काम करेंगे, देखो इसमें X जोड़ X क्या हो गया 2X, ठीक X जोड़ X क्या हो गया 2X, और 2A जोड़ 2C ये तो होगा 2A प्लस 2C, समझ में आया, 2A पर देखो 2A प्लस 2C हो गया। अब क्या है देखो माइनस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है 2R2, तो माइनस जो होगा 2 इंटू, अब देखो R2, तो R2 का मान इसमें कितना है X+2B, तो X+2B कर दिए। समझ में आ ही रहा होगा सभी को। देखो स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं, R1 जोड़ R3 तो X जोड़ X 2X हो गया, 2A जोड़ 2C तो 2A जोड़ TC हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखो दो माइनस हो रहा है -2R2, तो 2 इंटू X+2B, बाद बाकी वैसे ही लिखेंगे, यानी X+3, X+4, X+2B, फिर देखो X+4, X+5, फिर देखो X+2C। अब देखो स्टूडेंट्स ध्यान देना बाबू, तुम लोग देखो गुना कर दो, इसलिए गुना कर दो 2 गुना X, क्योंकि आगे स्टेप में थोड़ा सा जगह बचाएगा, समझ तो गया। देखो 2 गुना X क्या हो जाएगा 2X, फिर माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 2 गुना 3 होगा क्या होगा 2 3 6, समझ में आ गया। फिर देखो यहाँ पर 2X+8 लिख दिया, फिर देखो 2 गुना X हो गया 2X, और 2 गुना 4 क्या होगा -8। देखो यहाँ पे X+4 था, 2 गुना X 2X, प्लस माइनस माइनस 2 6 8 हो गया। फिर देखो यहाँ भी कर रहे हैं 2X+2A+2C, अब देखो 2 गुना X माइनस क्या हो गया 2X, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 2 4 भी हो जाएगा, 4 भी होगा कि नहीं बताओ, कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स? यहाँ देखिए बाबू सभी स्टूडेंट्स क्या किए थे, यानी यहाँ पे माइनस था तो आप तो देख ही लिए, अब क्या किए, ये -6 + 6 कैंसिल, ये -2X + 2X कैंसिल, ये -8 + 8 कैंसिल, ये -2X + 2X कैंसिल। अब देखो बाबू यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, ये -2X + 2X कैंसिल हो रहा है। अब देखो यहाँ पे बच गया 0, यहाँ पे बच गया 0, अब यहाँ पे क्या बच रहा है 2A + 2C, तो देखो 2 कॉमन ले लो, तो 2 जब कॉमन ले लिए यहाँ क्या बच गया C + A, क्या बच गया 2 जब कॉमन ले लिए इसमें से तो क्या बच गया C+A, यानी A+C या C+A बात बराबर है, और माइनस क्या है 4 भी बचा है, -4 भी बचा है। अब देखो स्टूडेंट्स फिर क्या है X+3, फिर देखो X+4, फिर क्या है X+2B, फिर क्या है X+4, फिर क्या है X+5, फिर क्या है X+4, X+5, X+2C है। अब देखो बाबू ध्यान देना, यहाँ पे C+A है, तो C+A का मान देखो कितना है, चूंकि ABC समांतर श्रेणी में है, तो C+A का मान कितना है 2B, तो इस C+A के जगह पर हम 2B लिख सकते हैं। देखो ये समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 से चूंकि C+A बराबर क्या है 2B, तो बैठा देते हैं, देखो बाबू बैठा देते हैं, यानी 0 फिर 0, अब 2 इंटू क्या है C+A, तो C+A का मान है 2B, तो यहाँ पे बैठा दिए 2B, ठीक। फिर माइनस है क्या है 4B, अब देखो स्टूडेंट्स ध्यान देना, फिर X+3, फिर क्या है X+4, फिर क्या है X+2B, ठीक, फिर क्या है X+4,
फिर क्या है x प्लस फाइव, फिर क्या है x प्लस टू सी, x प्लस टू सी। अब देखो बाबू ध्यान देना, ये देखो दो दुनी क्या हो जाएगा, दो दुनी चार, इसका मतलब दो दुनी चार भी, तो ये जो टर्म हो जाएगा चार भी हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये देखो माइनस चार भी और प्लस चार भी कट गया, तो ये क्या बच गया, देखो जीरो जीरो जीरो, देखो दिखाई दे रही है ना, ये लाइट तो कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, एक्स प्लस थ्री लाइट प्रॉब्लम कर रहा है, तो बंद कर दीजिए, एक्स प्लस फोर, फिर एक्स प्लस टू भी, फिर देखो बाबू एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फाइव, फिर देखो एक्स प्लस टू सी कर दिया। अब हम जानते हैं कि यदि किसी सारणी के कोई एक पंक्ति या एक कॉलम सब जीरो रहे तो उस सारणी का मान क्या होता है, जीरो, क्योंकि जीरो इसलिए क्या हो गया जीरो आंसर, क्योंकि जीरो गुना कुछ करेंगे जीरो का, जीरो गुना कुछ करेंगे जीरो, इसका आंसर क्या हो गया जीरो। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है छात्र, इसे इग्नोर नहीं करेंगे। बताए समझ में आई,